आजादी को बीत गए 70 साल, फिर भी है गांव बदहाल। आखिर कब बदलेगा गांव का हाल? जब भी चुनाव आते हैं तो नेता वोट लेने के लिए जनता के बीच जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, और चुनाव संपन्न होने के बाद नेताओं को अपना कोई चुनावी वादा याद नहीं रहता। ऐसे में सरकार तो बदल जाती है, लेकिन उन गांव की तस्वीर नहीं बदलती जो विकास की आस लगाकर मतदान करते हैं। आज हम आपको फैजाबाद के एक ऐसे ही गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो आजादी के 70 साल बीत जाने पर भी बदहाली की मार झेल रहा है। गांव का नाम अंकरपुर है, और इस गांव में ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना स्कूल है, और ना ही सरकार की तरफ से कोई शौचालय बना है। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे एक तो शौचालय भी नहीं है गांव में, एक भी शौचालय सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो भी बनाया गया है वो व्यक्तिगत बनाया गया है। लड़कियां जितनी भी हैं, लड़के जितने भी हैं, ये 2 किलोमीटर जाते हैं कोंछा बाजार पढ़ने। तो यही सारी समस्याएं जो हैं हमारे गाँव की हैं, और आज़ादी के बाद आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। लाइट नहीं है हमारे घर पर, लाल टाइम से पढ़ते हैं हम लोग, और स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, दूर है स्कूल। वहीं इस बारे में जिला अधिकारी का कहना है कि अंकरपुर के आसपास के गांव में बिजली पहुंच चुकी है। देखिए, जो आप जिस का जिक्र कर रहे हैं, वो खजुराहट गांव तक तो बिजली पहुंच चुकी है, और उसके डिफरेंट जो मदरें हैं उन मदरों से भी, जब रेवेन्यू विलेज को लिया जाता है, और रेवेन्यू विलेज के रूप में जो उनका मुख्य गाँव है वहाँ पर बिजली है, विद्युत आपूर्ति वहाँ पर है, और उसके पास में जो मदरें हैं वहाँ पर लोग अपना प्राइवेट कनेक्शन अगर लेते हैं तो उनको भी उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। अंकरपुर गांव की कहानी ये साबित करती है कि सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और नेताओं की अनदेखी के कारण वो योजनाएं ऐसे गांव तक नहीं पहुंच पाती जहां उनकी सख्त जरूरत है। सरकार को अंकरपुर जैसे गाँव को विकास की धारा से जोड़ने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फैजाबाद से अभिषेक सावंत की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर, और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।